हाय गाइस, सो ये है कैरियर का डेढ़ टन 3-स्टार एसी एंड ये है एक सेम मार्क्यू का डेढ़ टन 3-स्टार एसी एंड न जाने ऐसे कितने सारे ब्रांड्स और अवेलेबल है मार्केट में अपनी हर अलग अलग कैटेगरी के। लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है सोचने में कि भाई कौन सा एसी लें, इन्वर्टर वाला लूं या नहीं, एक टन या डेढ़ टन, 3-स्टार लूं, 5-स्टार लूं, कूलिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी है। ये सब तो कॉमन क्वेश्चंस हो गए। इनके अलावा मैं आपको बहुत सारे ऐसी छुपी हुई बातें बताने वाला हूं जो शायद ही कोई देखता है एक एसी लेते टाइम। लेकिन एक बात है, सारे पॉइंट्स सुनने के बाद, वीडियो पूरी देखने के बाद एक गारंटी है कि आपको फिर दोबारा किसी से कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा एसी बेस्ट है, क्योंकि इसका आंसर आपके पास खुद होगा। तो सबसे पहले बेसिक्स स्टार रेटिंग समझ लेते हैं। ये बीईई लेबल आपने देखा होगा आजकल हर अप्लायंस के ऊपर लग के आता है। बीईई का मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एक एजेंसी बेसिकली जो ठप्पे लगा देती है प्रोडक्ट्स को चेक करके एंड उनको एक रेटिंग दे देती है जिससे आम जनता के लिए थोड़ा सा पता चल जाए, इनसाइट मिल जाए, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाए। इंटरेस्टिंगली इस लेबल में भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। एक सैंपल लेबल मैं यहां पे लगा देता हूं। सबसे ऊपर ऑफ कोर्स यहां पे स्टार्स पता चलते हैं, 5 में से कितने स्टार्स मिले हैं इस प्रोडक्ट को। 1 रेटिंग का मतलब सबसे खराब, 5 मतलब सबसे बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी एंड जितने ज्यादा स्टार्स उतना ही बिजली का बिल आपका कम आएगा। लेकिन अप्लायंस खरीदते टाइम ये एग्जैक्टली उल्टा काम करता है, जितने ज्यादा स्टार उतने ज्यादा नोट खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है तो उस टाइम पे आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको अप्लायंस कितने घंटे या कितने दिन डेली चलाना है, उस हिसाब से भाई फायदा होगा या नुकसान। अब देखो, एसी लोगे एक बार लेकिन बिजली का बिल भरना है बार बार, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेसिकली देखो, रिकमेंडेशन पे आता हूं तो यहाँ पे सिंपल सा एक क्राइटेरिया होता है कि आप ये देखो एसी के केस में कि आपको कितने घंटे कितने महीने एसी चलाना है। अगर साल में आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो कि आपको 3-4 महीने ही एसी चलाना है या फिर डेली का सिर्फ 3-4 घंटे ही एसी चलाते हो तो शायद आपको 3-स्टार लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, 8-10 घंटे या उससे भी ज्यादा एसी दिन भर चलना है या साल के 7-8 महीने तो मिनिमम चलना ही चलना है, तो ऐसे केस में ये रिकमेंडेड है कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा दो, 5-स्टार लो, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपके पैसे के देगा। सिंपल से तरीके से इसको पेट्रोल और डीजल की तरह समझ सकते हो। डीजल गाड़ी आप एक बार में थोड़ा सा महंगा खरीदोगे लेकिन वो डेली आपको माइलेज ज्यादा देगी। अब इसके बाद आपको ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर आपको एक दिखेगा आईसीआर रेटिंग। बेसिकली एक रेटिंग होती है जो हर कैटेगरी ऑफ अप्लायंस को दी जाती है बाय गवर्नमेंट। अब अगर एसी की रेटिंग की बात करें तो यहां पे स्प्लिट एसी और विंडो एसी दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं एंड दोनों को अलग अलग तरीके से रेटिंग मिलती है। मैंने यहां पे दोनों के ही चार्ट्स लगा दे रहा हूं रेटिंग के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी रेटिंग मतलब क्या। इसके बाद आपको इस लेबल पे एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि बोलती है एनुअल एनर्जी कंजम्पशन। ये बेसिकली बताता है कि कितने यूनिट कितने साल के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खर्च कर देगा। लेकिन ये एक्चुअल यूनिट्स नहीं होते, ये अंडर लैब टेस्टिंग और टेस्ट कंडीशंस के अंदर होते हैं। बट यहां पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि उन यूनिट्स के बेसिस पे कभी भी एक एसी मत खरीदना कि भाई मैं कितना भी एसी चलाऊं सिर्फ इतनी ही यूनिट बिजली फूकेगी। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेबल जो कि है यहां पे डेट। डेट आप देखोगे एक वैलिडिटी टाइप की लिखी होती है कि शायद 1 साल या 2 साल का एक पीरियड लिखा रहता है कितनी वैलिडिटी है इस स्टार रेटिंग की। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं मार्क्यू के अपने एसी की यहाँ पे रेटिंग लगा दे रहा हूं, इसकी जो वैलिडिटी है ये शायद 31 दिसंबर 2024 तक वैलिडिटी दी हुई है। उसके बाद क्या, उसके बाद कहानी ये है कि हर अप्लायंस को जब एक स्टार रेटिंग दी जाती है तो रेटिंग देने से पहले ना उसकी एक टेस्टिंग होती है अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अंदर कि भाई इसकी मशीनरी किस क्वालिटी की लगी हुई है, अंदर जो पाइप्स हैं वो कॉपर के हैं तो किस क्वालिटी का कॉपर यूज्ड है, या फिर कोई अगर केमिकल कोटिंग हो रखी है पाइप्स के ऊपर तो वो किस क्वालिटी की हो रखी है, ब्लोअर जो है वो किस तरीके का लगा हुआ है। लेकिन यहां पे एक उसके साथ डेट अटैच होती है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो, जब मशीन चलती है ना रोज अगर 8 घंटे आप एसी चला रहे हो तो डेफिनेटली अंदर मशीनरी वर्क कर रही है एंड उसका थोड़ा बहुत वियर एंड टियर होगा। अगर कोई उसके ऊपर कोटिंग हो रखी है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो ग्रेजुअली थोड़ी सी वियर ऑफ होगी। तो जाहिर सी बात है जब स्टैंडर्ड गिरेगा तो यहां पर रेटिंग भी गिर जाएगी। Which exactly brings us to the point कि अगर हमने कोई 5 साल पहले 5-स्टार एसी लिया है तो जरूरी नहीं है वो आज भी 5-स्टार वाली परफॉर्मेंस ही दे रहा हो सकता है वो आज 4-स्टार पे हो गया हो सकता है आज 3-स्टार पे आ गया हो। मींस हाई पॉसिबिलिटी कि जितना एसी पुराना होता जाएगा उतनी आपकी बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाएगी भले ही आपने कितना ही महंगा क्यों ना लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस लेबल पे आपको सबसे गौर करने वाली होती है स्पेशली इन द केस ऑफ एसीज, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैक्सिमम कूलिंग आउटपुट। यहाँ पे कुछ वॉट के अंदर पूरा एक फिगर लिखा होगा
शायद 4500 से लेके 5500 तक के बीच की एक रेंज लिखी होगी। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? बिजली एंड कूलिंग दोनों के ऊपर। इंटरेस्टिंगली हमने इसका एक लाइव टेस्ट करके देखा अपने स्टूडियो पर। एक रूम में हमारा लगा हुआ है कैरियर का डेढ़ टन 3-स्टार एसी एंड दूसरी जगह हमारा लगा हुआ है मार्क्यू का सेम कैटेगरी यानी डेढ़ टन 3-स्टार का एसी। अब दो सेम कैटेगरी के एसी दोनों अलग अलग रूम के अंदर, अब हम इनको सेम टाइम के लिए चलाएंगे, सेम सेटिंग्स पर, सेम टेम्परेचर पर एंड चेक हमको ये करना है कि क्या ये सेम एनर्जी कंजम्पशन करेंगे। आ जाओ देखते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक 16 एम्पियर का स्मार्ट वाईफाई प्लग यूज कर रहे हैं एंड इसकी ऐप में हम मेजर करेंगे कि कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर रहे हैं। एक घंटा कैरियर का एसी चलाया 24 डिग्री सेल्सियस पे, फिक्स्ड मोड, मैक्स फैन स्पीड, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहेगा एंड यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम हुई 0.71 किलोवाट आवर। अब मार्क्यू की बारी। मार्क्यू को भी सेम सेटिंग्स पे चलाया, यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो है 0.5 किलोवाट आवर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% कम। मुझे लग रहा है शायद 18 डिग्री पे और कुछ डिफरेंस भी निकल के आए। कैरियर को 18 डिग्री पे सेट कर देते हैं एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे यूनिट बढ़ गई जो कि आई 0.85 यूनिट्स आधे घंटे के अंदर। लेट्स सी मार्क्यू क्या करता है। भाई मार्क्यू का अभी भी 0.5 किलोवाट आवर, मतलब कैरियर लूट रहा है क्या? परसेंटेज में देखोगे तो 18 डिग्री टेम्परेचर पे जो दोनों एसीज ने रिजल्ट निकाल के दिया है, दोनों में बिजली के बिल का 60% से ज्यादा का फर्क है। तो क्या इससे सिंपली ये समझ में आ रहा है कि मार्क्यू वाला एसी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है? ये शायद सच भी है एंड नहीं भी। ब्रांड्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दो व्हाइल मेकिंग अ परचेस डिसीजन, तभी ये चीजें बहुत छोटे-छोटे में कहीं साइड से लिखी रहती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको बताया हुआ है अपने एसीज के लेबल को अगर आप ध्यान से पढ़ लो। अब देखो दोनों एसी 3-स्टार ही हैं, डेढ़ टन ही हैं, लेकिन मैं दोनों एसी के लेबल आपके साइड बाय साइड लगा दे रहा हूं जिससे हमको तीन मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। पहला आईसीआर रेटिंग आप देख लो किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा रेटिंग होती है उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, जैसा कि मैंने टेबल में आपको दिखाया था। दूसरा मैक्सिमम पावर आउटपुट, मार्क्यू का पावर आउटपुट देखोगे तो अराउंड 4800 वॉट्स का है, लेकिन वहीं पे कैरियर का 5200 वॉट, मतलब 10% अप्रोक्सीमेटली ज्यादा। एंड तीसरी चीज इनकी रेटिंग की वैलिडिटी, कैरियर का एसी जहां अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले ही रेटिंग उसकी एक्सपायर हो चुकी है, वहीं मार्क्यू का एसी मैंने अभी नया लिया है एंड उसकी रेटिंग अभी भी उतनी वैलिड है। अब मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात कर रहे थे तो इस पर्टिकुलर कैरियर के मॉडल में अराउंड 400 वॉट की ज्यादा कैपेसिटी है, विच मींस कि जब पीक गर्मियां होंगी ना तो कैरियर का एसी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा कूलिंग दे पाएगा। अब बिजली कितनी कंज्यूम करे वो एक बात अलग है एंड 65% का फर्क एसी के बिजली के बिलों में सेम कैटेगरी का एसी, इसको एक और चीज जस्टिफाई कर रही है जो कि है डेप्रिसिएटिंग स्टार रेटिंग। क्योंकि ये एसी 4 साल पुराना हो चुका है, इसकी जो स्टार रेटिंग है वो 3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है, तो जो आज 3-स्टार का एसी लग रहा है वो शायद आज 3-स्टार एक्चुअल में हो ही ना, अंदर से 2-स्टार वाली परफॉर्मेंस दे रहा हो या हो सकता है 1-स्टार की दे रहा हो, जिस वजह से इन्फ्लेटेड एनर्जी के बिल्स मुझे भरने पड़ रहे हैं। तो अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है कि भाई विंडो एसी लें या फिर स्प्लिट एसी। अब देखो दोनों के ही छोटे मोटे प्रोज एंड कॉन्स हैं, थोड़ा सा विंडो एसी सस्ता आ जाता है, स्प्लिट थोड़ा सा महंगा आता है। एस्थेटिकली वाइज स्प्लिट बहुत ही बढ़िया लगता है आज की डेट में एंड तीसरा जो चीज है विंडो एसी थोड़ा सा नॉइज भी ज्यादा करता है। एक मेजर चीज जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं कि भाई ठीक है मैं विंडो ले लेता हूँ स्प्लिट छोड़ो, एयर फ्लो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज्ड होता है स्प्लिट एसी में, बहुत एक लंबा केबिन दिया हुआ होता है एयर फ्लो के लिए, वहीं पे विंडो एसी में बहुत एक स्क्वीज्ड इन छोटा सा स्पेस दिया होता है, तो मैक्सिमम एयर का फ्लो डिजाइन वाइज देखोगे तो वो आपको स्प्लिट एसी के अंदर मिलेगा, ना कि विंडो एसी के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, तो आजकल नाम में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जैसे कि इन्वर्टर लें या फिर नॉन इन्वर्टर, इसका आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा जब आप एक्चुअल में समझ जाओगे कि ये इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर होता क्या है। तो देखो पुराने जमाने के जो एसीज थे ना उसके अंदर फिक्स स्पीड मोड होते थे, आपने शायद देखा होगा लो मीडियम हाई, सिर्फ एक नॉब होता था, यहाँ पे रिमोट में भी 3 ही ऑप्शन आते थे, स्टेज 1, 2, 3, जितनी ज्यादा ऊपर जाओगे उतना एयर फ्लो भर जाएगा, उतनी कूलिंग भर जाएगी। तो टेक्निकली होता था कि कंप्रेसर उतनी ही स्पीड पे चलना चालू हो जाता था, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, जितनी देर के लिए आप हाई पे एसी चलाओगे उतनी देर आपका कंप्रेसर चल रहा है एंड उतनी ही देर आपकी बिजली का कंजम्पशन हो रहा है। आज के जमाने के जो एसीज हैं उनको इन्वर्टर एसीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक मोड ऐड कर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। सीन बस इतना सा है, टेम्परेचर सेट कर दो कि 24 डिग्री चाहिए, 22 डिग्री पे चाहिए, 18 पे चाहिए, कितने पे चाहिए। एसीज के अंदर आजकल सेंसर लगा होता है, वो अपने आप सेंस कर लेते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है एंड जैसे ही आपके सेट किए हुए टेम्परेचर पर रूम का टेम्परेचर पहुंचेगा वैसे ही वो अपना कंप्रेसर को बंद कर देगा वहां पे एंड वेट करेगा जब तक वो रूम दोबारा से थोड़ा गर्मी ना होने लग जाए। तो ऐसे करके कुछ देर के लिए जब कंप्रेसर बंद हुआ, दोबारा चालू हुआ, फिर बंद हुआ, तो जितना बंद हो रहा है ना वो आपकी बिजली बचा रहा है, सिर्फ इस चीज को इन्वर्टर बोलते हैं। मुझसे पूछो तो आज
आज के जमाने में वैसे तो शायद ही आ रहा हो, लेकिन अगर नॉन इन्वर्टर एसी आ रहा है तो वो लेना आज की डेट में बेवकूफी है, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर एसीज हैं उनके अंदर ऑलरेडी एक फीचर दिया हो रहता है कि ऑटो मोड पे चलाना है या फिर मैनुअल मोड पे। तो बेसिकली आप मैनुअल पे स्विच कर दो कि आपको घंटा नहीं फर्क पड़ता कितना टेम्परेचर पे चलाना है, आप एसी को बोल रहे हो या फुल पे चलो तो उतने ही टेम्परेचर पे आपका एसी चलता रहेगा, वो नॉन इन्वर्टर की तरह एक्ट कर जाएगा, दोनों के मजे आपको मिल जाएंगे। इन्वर्टर एसी ले लेना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, कितने टन का एसी लिया जाए, एक टन लू या डेढ़ टन लू या दो टन लू, मेरा एरिया कितना है, पता नहीं ठंडा कर पाएगा नहीं कर पाएगा एसी, क्या करूं। अब देखो ये जो टन होते हैं ना एसी के, ये एक्चुअल में उतने हजार किलो नहीं बल्कि कूलिंग कैपेसिटी का एक मेजरमेंट है जो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो बेसिकली जब मैं आपको अपने कैरियर के एसी का यानी 5200 वॉट को जब कन्वर्ट करने जाऊंगा तो अराउंड ये एक्चुअल जो टनेज इसकी निकल के आएगी वो आएगी 1.46 या 47 के आसपास। वहीं पे मार्की हुआ सेम कैटेगरी का एसी 4800 वॉट को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ कूलिंग कैपेसिटी के अंदर तो वो उसकी टनेज रह जाती है सिर्फ 1.3 समथिंग। इससे पता चलता है कि भले डेढ़ टन कंपनीज बोल रही हैं लेकिन एक्चुअल कितनी कैपेसिटी है वो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो कंपनीज हैं वो एक सेट टेम्पलेट्स देती हैं कि इतने स्क्वायर फीट का रूम है तो इतने टन का लेना चाहिए, इतना है तो इतना लेना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 150 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो आप डेढ़ टन ही लो, एक टन को फिर भी छोड़ दो। रीजन, जब ज्यादा कैपेसिटी है तो वो उतना ही कम टाइम लेगा उस रूम को ठंडा करने के लिए। फर्क आ जाती है कॉस्ट की, तो सिर्फ आज की डेट में एक और डेढ़ टन में जो फर्क है वो सिर्फ 2 से 2500 रुपए का रह गया है, एंड इट्स फुल्ली वर्थ इट बिलीव मी। हाँ, अगर 150-160 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा एरिया है, हॉल टाइप का है या कुछ, तो वहां पे आप दो टन के लिए जाइए या फिर मल्टीपल एसीज के लिए जाइए। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, सिर्फ रूम का साइज तो देख लिया लेकिन ये नहीं देखा कि सन एक्सपोजर कितना है उस रूम के अंदर। बेसिकली आप अपने रूम के अंदर ये देखो कितने विंडोज हैं या फिर कितने सन एक्सपोजर है। बेसिकली कि ईस्ट साइड है तो शायद बहुत ज्यादा सन का सुबह रोशनी आता होगा, वेस्ट साइड है तो 12 बजे के बाद ज्यादा आता होगा। पर्टिकुलरली अपने रूम को एनालाइज करो कि कितनी ज्यादा सन की रेज आती है अंदर, तो जितनी ज्यादा आएगी हीट उतना ही ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी के लिए भी चाहिए भाई, या उतनी ज्यादा देर चलाना पड़ेगा एसी। तो यहां पे भी ये देख लेना कि एक टन की जगह डेढ़ टन ले लो जहां पे अगर ज्यादा सन की रेज का एक्सपोजर है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो वो है स्टेबलाइजर। तो बेसिकली देखो यहां पे आपको देखना होगा कि आपके यहां फ्लक्चुएशंस होती हैं या फिर नहीं। आजकल के नए इन्वर्टर एसी बहुत ज्यादा एफिशिएंट तो है ही है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आपके सिटी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं लाइट की तो स्टेबलाइजर जरूर लगा लेना। मैंने तो नहीं लगाया हुआ, मैं पहले आगरा रहता था, वहां पे प्राइवेट प्लेयर है टोरेंट, तो वहां पर तो बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो वहां पे जीरो स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। एंड अभी मैं हूँ नोएडा में, यहाँ पे भी हार्डली एक आध बार जाती है पूरे हफ्ते के अंदर 2-4 मिनट के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने स्टेबलाइजर्स नहीं लगाए हुए, लेकिन अगर आपके एरिया में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको लगाने चाहिए, क्योंकि अगर एसी फूक गया ना भाई तो 3 या 4 हजार रुपए का तो स्टेबलाइजर आ रहा है लेकिन रिपेयरिंग में 8 से 10 हजार रुपए तक लग सकता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो वो है वारंटी। अब देखो वारंटी बहुत जरूरी है, अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजों के ऊपर जो ब्रांड्स हैं वो वारंटी दे रहे हैं। पहला टाइप होता है कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, इसका मतलब कि आपको अगर कोई पार्ट खराब होता है तो पार्ट तो चेंज होगा ही होगा, साथ में लेबर कॉस्ट जो लगती है वो भी इंक्लूड होगी। अगर कोई ब्रांड सिर्फ वारंटी लिख रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी वर्ड नहीं यूज कर रहा, तो इसका मतलब कि पार्ट अगर कोई खराब हुआ तो पार्ट वो रिप्लेस कर देंगे लेकिन लड़के का आने का चार्ज या जो लेबर कॉस्ट है वो बेसिकली आपको देना पड़ेगा। इसके बाद एक है पीसीबी वारंटी। बेसिकली पीसीबी क्या होता है, एक इसका काइंड ऑफ सर्किट बोर्ड होता है जो इंडोर यूनिट के अंदर लगा होता है, उसको आप एसी का कंप्यूटर समझ सकते हो, छोटा सा चिप जो कि काफी केसेस में कभी कभार खराब हो भी जाता है। नॉट सेइंग कि हर किसी का होता ही होता है, लेकिन कोई कोई ब्रांड्स अपने पीसीबी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो 4-5 साल की वारंटी भी देते हैं। तो अगर कोई आप अपना ब्रांड का चूज कर रहे हो एसी, तो उसमें देख लेना कि पीसीबी वारंटी है या फिर नहीं है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर कोई ब्रांड पीसीबी वारंटी दे रहा है लेकिन 1000-2000 रुपए ज्यादा ले रहा है अपने प्रोडक्ट के, तो हम उसके साथ जाएंगे, ना कि 2000 रुपए बचा के 8000 रुपए रिस्क पे डालें। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नॉइज लेवल्स। भले कोई एसी आपको 1000-2000 रुपए सस्ता मिल रहा हो ना भाई, फिर भी मत लेना अगर उसकी नॉइज ज्यादा है। तो मैं तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये देखो कैरियर का इंडोर नॉइज लेवल, एंड ये वाला सुनो मार्क्यू का इंडोर नॉइज लेवल।
दोनों कंपनीज के आउटडोर्स भले ही सेम लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन इंडोर जो है ना वो मारी हुआ 20% ज्यादा नॉइज कर रहा है, एंड एक टाइम पे बहुत ज्यादा जब साइलेंस होता है ना तो इरिटेट करने लग जाती है। फाइनल जो आपको चीज देखनी है आपके एसी में वो है कि भाई कौन सी क्वालिटी के पाइप्स लगे हैं। मेक श्योर आप 100% कॉपर वाले ही लो। बेसिकली अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है अंदर का गैस तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर खराब वहां पे रस्ट वगैरह लग सकता है, लीकेजेस ज्यादा हो सकते हैं, तो कॉपर रहेगा 100% कॉपर रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई और अल्यूमिनियम या फिर कोई अलॉय वाला मिक्स वाला मत ले लेना। तो ये कुछ थे पॉइंट्स जिससे आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आपको एक एसी लेते समय क्या क्या देखना है। मेक श्योर आप सारे चेक पॉइंट्स जो है वो टिक कर लो। एंड अब बारी है कुछ रिकमेंडेड एसीज की। तो जो मैंने एसीज खुद बैठा हुआ हूँ जिनको चेकआउट करा हुआ है उन्हीं के कुछ लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं मार्क्यू वाला एसी किसी को रेकमेंड नहीं करता, मैंने तो सस्ते के चक्कर में ले लिया था क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट था, लेकिन रेकमेंड करने लायक नहीं है। तो कुछ 7-8 एसीज के मैंने लिंक्स डाल दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर अगर आपको एसी लेना हो तो नीचे लिंक्स का यूज कर लेना, चैनल को थोड़ा सा फायदा होगा, एफिलिएट वाले लिंक्स हैं लेकिन चैनल आगे चलता रहेगा। सो ये कुछ था आज के इस पूरे एसी गाइड वीडियो में। आई होप आपको मजा आया हो, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टे सेफ, स्टे सार्कास्टिक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।